नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। इस्लाम धर्म के मुख्य त्योहार में से एक बकरा ईद का त्योहार भी है, जो कि बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। हर वर्ष के में साफ तौर पर इस त्योहार को जिस तरीके से लोग मनाते हैं, 29 जून को इस त्योहार को मनाया जाता है। लेकिन नागौर की बड़े पीर साहब की दरगाह पर आपको बता दें कि गुरुवार को सुबह 7:15 पर नमाज अदा की जाएगी। जी हाँ, लोग इस त्योहार का बेसब्री से इंतजार करते हैं और उस समय का भी इंतजार करते हैं कि कब किस जगह नमाज अदा की जाएगी। तो आपको बता दें कि नागौर की सबसे बड़े पीर साहब की दरगाह पर गुरुवार को 7:15 पर नमाज अदा की जाएगी। बकरा ईद का त्योहार मुस्लिम समुदाय का दूसरा सबसे बड़ा और खास त्योहार है, जिसे ईद उल अजहा के नाम से भी जाना जाता है। बकरा ईद के दिन उस लम्हे का जश्न मनाते हैं जब खुदा ने अपने नबी हजरत इब्राहिम का इम्तिहान लिया था और उनके खुद के बेटे की जगह एक दुम्बे की कुर्बानी दी थी। तभी से इस दिन मुस्लिम समुदाय बकरा ईद का जश्न मनाता है। इस साल भी नागौर में ईद को खूब साफ तौर पर ईद की तैयारियां चल रही हैं। हर जगह ईद की तैयारियां चल रही हैं। बकरे के जो बाजार नजर आ रहे हैं तमाम जगहों पर, लोगों में खुशी की लहर। जो बकरा ले जा रहा है उसमें भी, जो बकरा बेच रहा है उसमें भी, कोई ईद मनाने के लिए बकरा ले जा रहा है तो किसी से जिससे खरीदा जा रहा है उसकी भी ईद जो है वो काफी अच्छी होने वाली है। ईद के नगौर में आपको बता दें सबसे बड़ी नमाज नगौर के बड़े पीर साहब की दरगाह पर सभी लोगों के द्वारा मिलकर अदा की जाती है। वहीं इस बार भी की जाएगी, जिसमें लोगों को ईद का महत्व, कुर्बानी की विशेषता व खुताबा पढ़ाया जाएगा। आपको बता दें कि और मुल्क के लिए अमन चैन तथा विशेष दुआ मांगी जाती है। सैयद सैफुद्दीन जिलानी रोड पर स्थित बड़े पीर साहब की दरगाह में बकरा ईद की नमाज आगमी गुरुवार 26, आपको बता दें कि लगभग 29 जून को सुबह 7:15 अदा की जाएगी। दरगाह की सज्जदा नशीन सैयद सदाकत अली जिलानी ने बताया कि सबसे पहले तकरीर होगी जिसमें कुर्बानी की विशेषताएं बताई जाएंगी, इसके बाद ईद की नमाज अदा की जाएगी। जिलानी ने बताया इसके आगे कि नमाज के बाद ईद के विशेष खुताबा पढ़े जाएंगे, खुताबे के बाद मुल्क में अमन चैन के लिए विशेष दुआ भी मांगी जाएगी। जिलानी ने यह भी बताया कि दुआ मांगने के बाद सभी नमाजी एक दूसरे के गले मिलकर मुबारकबाद भी देंगे। तो इस बार आपकी ईद भी काफी अच्छी रहे। क्या आपने भी ईद की तैयारियां शुरू कर दी हैं? क्या आप भी उतने ही उत्साहित हैं? क्या आपके भी आसपास ईद का जो माहौल है वो काफी उत्साहित नजर आ रहा है? कैसा माहौल है? कैसी आपकी ईद होने वाली है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अभी के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देखते रहें इंडिया न्यूज़। धन्यवाद।